एक सोशल मीडिया के पोस्ट पर अभी अभी श्रीनगर पुलिस की तरफ से रेड्स डाला गया है और एक मकान जो बर्षा नगर नटीपोरा में वाका है वहां पर पुलिस की रेड हुई है। और ये अभी जो इतला मिल रही है उसमें एक फेसबुक पोस्ट या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट उन्होंने इंटरनेशनल किया था जिसके चलते ये रेड्स डाले गए हैं। अभी तक जो मालूमात फराम हुई है जहां पर ये रेड्स डाली गई है उस घर के जो मालिक है या अफराद है उन्होंने पुलिस को माफ़ी भी मांगी है और इसके चलते पुलिस ने भी बड़ा दिल दिखाकर उनको माफ़ किया है। अगर ये रेड्स अभी सुबह सवेरे कंडक्ट किए गए थे लेकिन अभी अभी ये खबर आ रही है कि पुलिस वापस जा चुकी है और उन्होंने पूरी तरह से यहाँ पर कोऑपरेशन दिखाई है। अगरचि यहाँ पर आए दिन हम इस तरह के मामलात हैं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं उसमें ऐसे पोस्ट्स भी डाले जाते हैं जिससे ये अंदेशा होता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए यहाँ पर पुलिस आए दिन ये बताती हुई नज़र आती है कि ऐसे पोस्ट से वो गुरेज करे। और आज पुलिस ने फिर से एक बार ये बताया है कि लोगों को इंतबाह की जाती है कि वो इस तरह के पोस्ट अपने सोशल साइट्स पर न चढ़ाए। फिलहाल यहाँ पर अभी जो बर्षा नगर नटीपोरा श्रीनगर में रेड्स सुबह सवेरे एक घर पर डाली गई थी पुलिस वापस जा चुकी है और पुलिस ने बड़ी कोऑपरेशन दिखाई है और यहाँ पर उन अफराद को माफ़ भी किया गया है जिन्होंने बताया जाता है कि अभी तक ये पूरी तरह से ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि वाकई में ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चढ़ाया था या नहीं चढ़ाया था, लेकिन जो लोकल ज़राए से यहाँ पर अभी खबरें आ रही है वहाँ से ये मालूम हुआ है कि सोशल मीडिया का पोस्ट था और उसी के चलते यहाँ पर पुलिस ने इस घर पर रेड डाली थी। अगरचे अभी पुलिस वापस जा चुकी है और पुलिस की तरफ से आम जो पर्संस है आम जो लोग हैं उनको ये इंतबाह की जाती है कि ऐसे पोस्ट्स जो है जो एंटी नेशनल हो वो सोशल साइट्स पर न डाले। फिरदौस लाइव जानर मानी जेके न्यूज़ रे श्रीनगर। अच्छा देखो।